स्विमर्स, देखिए आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आप जैसे किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपके पास लाइफ जैकेट नहीं है, तो भी आप अगल बगल अगर आपके पास रिसोर्सेज अगर मिल सकते हैं ठीक ठाक, तो आप वहाँ से अपना एक टेम्प्रोरी लाइफ जैकेट बना सकते हैं। वो किस तरह बनाना है, जैसे कि आप देखे होंगे बीचेस वगैरह पे आपको इस तरह की बॉटल्स मिल जाती है आराम से, और रिवर है या तो जैसे यहीं पे हम लोग को 3-4 बॉटल इस तरह की मिली ठीक है, और हम इससे हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग एक टेम्प्रोरी लाइफ जैकेट बना के अपने यूज़ कर सकते हैं स्विमिंग करने में। और बांधने के लिए आप या तो अगर रस्सी मिल जाती है तो अच्छा है, नहीं मिलती है तो फिर आप कोई कपड़ा अगर होगा आसपास तो उससे हम लोग जैसे कपड़े से हम लोग फाड़ के इस तरह की एक रस्सी हम लोग ने निकाली है, उससे उसको निकालने के बाद क्या करना है, हमें इन तीनों बॉटल को बांधना है। तो अब इसको बांधते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह वर्क करता है एज अ लाइफ जैकेट या स्विमिंग करने में कैसे हेल्प करता है। तो देखिए इसको हम लोग ने बांध के तैयार कर लिया है, और इसका भी देखिए 2 या 3 तरीके से आप इसको अपने शरीर पे बांध सकते हैं जहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। पहला है, सबसे पहला आता है कमर पे। कमर पे जैसे आप बांध लेंगे तो जब आप फ्लोट करेंगे तो आपकी जो कमर वाली पोर्शन होता है जो बहुत लोग का सिंक हो जाता है वो अपने आप ऊपर आ जाएगा, तो आप किक करने में आसानी हो जाएगी। दूसरा आप अपने चेस्ट पे बांध सकते हैं, चेस्ट पे बांध के आप बैक फ्लोटिंग कर सकते हैं, तो इससे आपको बैक फ्लोटिंग में आसानी हो जाएगी, आपका हेड ऊपर रहेगा और आप किनारे आ जाएंगे, मतलब किनारे की तरफ स्विमिंग करके आप अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। और तीसरा इसको नेक पे ही बांध लेना है, नेक पे बांध लेना है ऐसा ये, तो इससे क्या होगा आपका जो हेड वाला पोर्शन रहेगा वो ऊपर रहेगा भले आपको स्विमिंग आती हो या ना आती हो। तो इसको 3 तरीके से अभी मैं यूज़ करके भी आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो आप देखिएगा और जानिएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। थैंक यू। तो अब मैं देखिए इसको कमर पे मैंने बांध लिया, अब स्विमिंग करके देखने जा रहा हूँ क्या क्या वर्क करता है कि नहीं। मैं किक नहीं चलाऊंगा, सिर्फ फ्लोट करूंगा। तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। एक्चुअली मेरी अपर बॉडी में, मुझे लोअर बॉडी में पावर नहीं लगानी पड़ रही है, वो अपने आप ही देख रहे होंगे बॉटल ऊपर ही है। तो ये पहला मेथड हो गया कि आपको कहाँ पे बांधना है। दूसरा मेथड मैंने कहता था चेस्ट पे, तो अब इसको चेस्ट पे बांध के देखते हैं क्या इस पे चेस्ट पे वर्क करता है कि नहीं। ठीक है, मैंने इसको चेस्ट पे बांध लिया, जो सेकेंड तरीका है चेस्ट पे बांधने का। चेस्ट पे बांधने का सबसे बेनिफिट ये होता है कि आपकी चेस्ट वाली बॉडी ऊपर रहेगी एंड जो हेड वाला पोर्शन है वो ऊपर रहेगा, तो इससे आपको पानी नहीं जाएगा मुंह में और ब्रीथ भी आप आराम से ले पाएंगे। तो अब इसमें देखिए हम चेस्ट पे इसको कर ले रहे हैं और बॉटल को अपने चेस्ट पे रख के उसको हल्के बस इस तरह पकड़े रहेंगे ठीक है, और फिर देखते हैं क्या फ्लोट हम कर पाते हैं कि नहीं। सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये बॉटल रहेगी, ना मैं हाथ चलाऊंगा ना पैर चलाऊंगा। देखिए मेरी बॉडी कितनी आराम से ऊपर है, देख रहे हैं, सिर्फ मेरे बॉटल अपने चेस्ट पे रखा हुआ है, बॉटल को इस तरह से होल्ड किया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो एक ये इसका यूज़ कर सकते हैं आराम से और अपनी लाइफ सेव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जो टेम्प्रोरी लाइफ गार्ड, मतलब अगर आपके पास लाइफ गार्ड का कुछ अवेलेबल नहीं है वहाँ पे और आपके पास यही टेम्प्रोरी चीज़ है जैसे बॉटल है धागा है, तो इससे आप कैसे अपना एक काम चलाऊ लाइफ जैकेट बना सकते हैं। और इसका यूज़ आप देखे होंगे जो प्रोफेशनल स्विमर होते हैं, मैराथन स्विमर ओपन वाटर के, वो अपने चेस्ट पे या कमर पे एक लगभग 5-6 लीटर का एक गुब्बारे टाइप का या इसी बॉटल टाइप का बांधे रहते हैं, उसमें नंबर लिखा होता है, तो वो उनका हेल्प करता है उनकी बॉडी ऊपर करने में। और दूसरी चीज़ उनको हेल्प करता है किसमें कि उनको जो वहाँ पे ऑब्जर्वर होते हैं वो उनको ऑब्जर्व कर पाते हैं कि जिस नंबर का कौन सा स्विमर है वो। तो ये दोनों बेनिफिट होता है, मेन बेनिफिट इसका ये होता है कि आप अपनी बॉडी पानी के ऊपर कर पाएं ओपन वाटर में और स्विमिंग कर पाएं, और ठंडा पानी